हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी आयशा खान और आज हम बनाएंगे खीर। मगर मेरी वीडियो में जाने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फो व्हेनेवर आई अपलोड इट। सबसे पहले हम एक भगोना लेंगे, उसमें 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। फुल क्रीम मिल्क लेना है हमें। हम सबसे पहले दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब दूध बॉईल हो जाएगा तो हम उसको हल्की आंच पे कर देंगे, स्लो फ्लेम पे कर देंगे और उसको अच्छे से पकने देंगे। हमें इसमें 1 कप चावल लेना है। चावल को हम भिगो देंगे और भिगो के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और ये पेस्ट हम मिल्क में ऐड कर देंगे और उसको चलाते रहना है फ्रेंड्स। अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारे खीर में लम्स पड़ जाएंगे। अब हम उसके अंदर 1 कप शुगर ऐड करेंगे, उसको भी अच्छे से चलाते रहेंगे। हमें खीर को तब तक पकाना है जब तक जो है हमारे ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, हमारे जो चावल हैं वो गल ना जाएं और थोड़ी सी हमारी खीर गाढ़ी ना हो जाए। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर तैयार है। हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। इस पर सबसे पहले आलमंड्स डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हमने इसमें कोकोनट पाउडर भी डाला है। अब खीर रेडी है, टाइम टू सर्व।